हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम्स। लीग वन का मैच हो रहा है पेरिस एंड जर्मन वर्सेस मार्शल के बीच 2 घंटे 13 मिनट के बाद। तो अभी दो ही मैच जो बचे हैं कवर करने, 3 मैच बचे हैं एक तरह, लेकिन लेट नाइट मैच जो हैं वो दो ही हैं। तो बात करें मेरा टेलीग्राम चैनल, रुक जाओ भाई, तो ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। चलते हैं आगे, बात करें अगर हम इस मैच की तो पेरिस सेंट जर्मन और मार्शल, इसके अंदर जीतेगी भाई पेरिस एंड जर्मन, जबकि मार्शल में भी दम बहुत है, लेकिन पेरिस एंड जर्मन फॉर्म में आ गई है। आखिरी के 2 मैचेस में ये टीम 11 गोल करती आ रही है, 2 मैच में 11 गोल। अरे भाई मजाक नहीं है, 2 मैच में 11 गोल सुनने में बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मैं आपको क्या बोलूँ कि 11 गोल करने में तो कई बार पूरा सीज़न बीत जाता है छोटी टीम्स का। और पेरिस एंड जर्मन ने दो मैचेस में कर दिए 11 गोल, एक हाईएस्ट स्कोरिंग चल रही है टीम। बात करें गोलकीपर की, यहाँ पे लूँगा पाउल लोपेस को। देखो भाई, लोपेस को लेना है तो आपको पता है कि आजकल पेनल्टी का बहुत तगड़ा ज़माना है। इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि पेरिस एंड जर्मन फॉर्म में है, पेनल्टी वगैरह सामने वाली टीम फाउल कर सकती है, सो पेनल्टी आ सकती है। हाकिमी की बात करें, अशरफ हाकिमी खेल सकता है, इंजर्ड नहीं हुआ था पिछले मैच में। जो इंजर हुआ था वो शायद किम्पैबे था, तो मैंने अभी किम्पैबे को सेव किया क्योंकि मुझे पता नहीं कि इसकी जगह कौन सा प्लेयर खिलाएंगे, मेरे को अभी कुछ श्योर नहीं, क्योंकि ये बैरनेट को भी खिला सकते हैं, कैरर को भी। तो तब तक के लिए मैंने कहा यार अभी किम्पैबे को ही सेव कर लो। एंड एन मैडिस की बात करें, एन मैंडिस एंड सर्जियो रैमस, इससे तो एक प्लेयर घबराता होगा, मेरा ऐसा मानना है भाई, मुझे नहीं पता, क्योंकि सर्जियो रैमस यार, ज्लैटन इब्राहिमोविक, सर्जियो रैमस, पेप हो गया, ये सारे ना बहुत वो हैं, लड़ाके प्लेयर हैं भाई। मतलब मेरे को ना ऐसा लगता नहीं, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा रेड कार्ड हैं, लोग गोल करते हैं रेड कार्ड लेते हैं। एंड आगे से मैं बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है मेरा दूसरा प्लेयर जो कि है डी कैलेटा कार को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बता दूँ कि मेन बात तो ये थी भाई, क्रेडिट अगर मैं अपनी टीम बनाऊँगा ना प्रॉपर, ये जो टीम है ना, ये मैं आपको क्लियर बता दूँ, क्रेडिट के हिसाब से बनी है, वरना मैं अपने मनचाहे प्लेयर कहाँ ले पाया हूँ भाई, मैं क्यों लेता इस प्लेयर को, क्या खासियत है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, जिनके अंदर खासियत है वो टीम में है नहीं। ये रहा गाइस पहला प्लेयर जिसको मैं आँख बंद करके लेना चाह रहा था, मैंने कहा ले लेंगे, लेकिन नहीं आ रहा, क्या करूं फैट। अब मैं वही बोल रहा हूं कि कई लोग मुझे बोलेंगे कि भाई आप अनदर में ट्राई करो, किसी अनदर में, तो मैं भाई हाँ आपको अगर होगा तो आप भी ले लेना ज़रूर, अगर इसमें अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्रेडिट इशू ना हो तो आप उसमें पैयट को ज़रूर लेना। पैयट के साथ साथ आपने एक प्लेयर है सी अंडर, इसको ज़रूर लेना है, क्योंकि देखो मैं तो नहीं इधर ले पाऊँगा, हो ही नहीं सकता, पूरी रात भी मतलब मैं 2 घंटे लगातार एनालाइज कर लूँ लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगा ये प्लेयर्स, मैं ले ही नहीं पाऊँगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ले सकते हो अगर आप इसके अलावा कहीं और खेलते हैं। और नेमर की बात करें, नेमर आ गया अपनी ज़बरदस्त फॉर्म में, नेमर ने प्रीवियस मैच के अंदर हैट्रिक किया था जिसमें एक गोल था पेनल्टी गोल, लेकिन वो भी गोल्स में माना जाता है इसलिए हैट्रिक हुई थी। एंड गैरसन की बात करें, अब तो मैं गैरसन को ज़रूर अच्छा ही कहूँगा क्योंकि वैसे मैं गैरसन को लेता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने पैयट की जगह पे ली है, तो यार मैं तो चाहूँगा कि कुछ ना करके भी, गोल असिस्ट ना करके भी कुछ अच्छे पॉइंट देके जा भाई। एंड आगे से बात करें गोए की, यहाँ पे पेप गोए, पेप गोए इज़ अ नॉर्मल प्लेयर, टीम में ले लो चलेगा, टीम में अगर आप ले लो, मतलब टीम चलेगा इन द सेंस वो नहीं कह रहा, मतलब मैं कह रहा हूँ टीम में लो, कोशिश करेगा अच्छा करेगा। एंड आगे से बात करें क्या किलियन मबैपे, पिछले मैच के अंदर मबैपे ने किया, इसने भी हैट्रिक, दो हैट्रिक जिसमें 6 गोल थे, 3 गोल किए थे मबैपे ने, 3 गोल किए थे न्यूमर ने, और मेसी ने एक भी गोल नहीं किया था, मेसी करके गया था 3 असिस्ट, अच्छी तरह याद है मुझे मैच और आपके सामने लिखा भी हुआ है, इसलिए मेसी मबैपे और न्यूमर की जो शील्ड है ना वो आई थिंक अभी तोड़ने वाला कोई बना नहीं है, कोई टीम बनी। मैं कहता हूं आज मैनचेस्टर यूनाइटेड उधर आए ना, आज अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड और पेरिस सेंट जर्मन का चैंपियंस लीग में मैच हो जाए तो मैनचेस्टर यूनाइटेड कम से कम 6-0 से हार के जाएगी, जबकि उसमें रोनाल्डो है, कुछ नहीं कर पाएगा इस टीम के आगे, मैं क्लियर बता रहा हूं। उसके बाद अब और बड़ी से बड़ी टीम बोल दो, मैनचेस्टर सिटी, चेल्सी, कुछ नहीं उखाड़ सकती पेरिस सेंट जर्मन का, देख लिया मैंने। बाकी अगर इनमें से एक प्लेयर भी फ्लॉप हुआ, मेसी हो गया या मबैपे, तो मैं कह रहा हूँ ये खुद खा के आएंगे 2-4 गोल, क्योंकि ये ना पेरिस सेंट जर्मन जितना 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 अपना परला भारी करती है उतना जल्दा उतनी जल्दी छोड़ती भी है। तो बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मबैपे, वाइस कैप्टन है न्यूमर, पिछले में भी कहा था रख लेना, जो सुनते हैं वो रख लेते हैं, जिनको अपनी चलानी होती है वो हार के मेरे पास आते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेसी को टीम में लो, लेकिन वाइस कैप्टन कैप्टन मत रखो, जीएल में ट्राई करना उसमें तो मैं भी करता रहता हूँ, लेकिन अगर आपने स्मॉल लीग खेलने तो दिस इज़ द ग्रेट टीम फॉर स्मॉल लीग, क्योंकि स्मॉल लीग में अगर आपके पास क्रेडिट इशू है तो आपके ओपोनेंट के पास भी क्रेडिट इशू है, वो भी किसी तरह मैनेज करेगा, आपको भी मैनेज करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।